तरैया प्रखंड कार्यालय में शुक्रवार को पैक्स नामांकन का स्क्रूटनी किया गया। पैक्स अध्यक्ष के लिए 59 लोगों ने नामांकन कराया था, जिसमें एक निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष सहित 3 लोगों का नामांकन रद्द कर दिया गया। अब 56 पैक्स अध्यक्ष के उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। निर्वाची पदाधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि सरिया रत्नाकर में मनीता देवी एवं विकास कुमार सिंह का नामांकन रद्द किया गया है। मनीता देवी सदस्य नहीं थी बल्कि सदस्य हैं तथा विकास कुमार डिफाल्टर हैं। वहीं चंचलिया पंचायत में निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष शशिभूषण यादव का भी नामांकन डिफाल्टर होने के कारण रद्द कर दिया गया। ज्ञात हो कि चंचलिया पंचायत में निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष शशिभूषण यादव और उनके पुत्र विजय प्रकाश ने नामांकन कराया था। अब पिता का नामांकन रद्द होने के बाद पुत्र विजय प्रकाश निर्विरोध निर्वाचित होंगे। वहीं डुमरी पंचायत में केवल एक ही नामांकन रामेश्वर प्रसाद सिंह का है, जो लगातार 54 वर्षों से पैक्स अध्यक्ष रहे हैं, इस बार भी निर्विरोध निर्वाचित होंगे। इस तरह अब डुमरी और चंचलिया में एक एक ही अध्यक्ष पद का वैध नामांकन है, जिस कारण डुमरी और चंचलिया के पैक्स अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित होंगे तथा इन दोनों पंचायतों में मतदान नहीं होगा। कुल 13 पंचायतों में अब 11 पंचायतों में 9 दिसंबर को मतदान होंगे। स्क्रूटनी टीम में ऑब्जर्वर सत्येंद्र कुमार चौधरी, निर्वाचित पदाधिकारी राकेश कुमार, BCO भानु प्रताप सिंह, प्रमोद कुमार आदि शामिल थे। तरैया से AK गुप्ता की रिपोर्ट।